तो आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, तो चलो पढ़ते हैं। ये बेसिकली ना सरल टर्म आता है कि एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जो कि ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, अन अफेक्टेड कैरियर फीमेल। मतलब ये कह सकते हो कि अगर मान लो कोई भी ये पर्सन है पी, अगर ये बीमार है तो ये बीमारी उनके अनअफेक्टेड कैरियर मदर से आई होगी, मतलब फीमेल से ट्रांसफ़र होती है किसमें, प्रोजिनी में। और प्रोजिनी में कैसा होना चाहिए, मेल। ठीक है, तो मैं कंडीशन बताऊंगा। जैसे मान लो फादर फादर भी नॉर्मल है, पर जो जो मदर है वो कैसी है, मदर बोल सकते हो फीमेल जो है वो कैरियर है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि कब कोई फीमेल कैरियर होती है। तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि आपको पता है कि फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है, तो अगर फीमेल कैरियर है तो उस पर होगा एक्स एच और एक्स। ठीक है, अगर मेल की बात की जाए, नॉर्मल मेल का सिंबल ये होगा एक्स वाई। अगर हम बात करें कि कोई मेल डिजीज़ है, मतलब उसको हीमोफीलिया है, तो उसके एक्स पे एच आ जाएगा। ठीक है, अब खुद सोच के देखो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है कि कोई भी पर्सन अफेक्टेड हो, वही मेल बेसिकली है। और रही बात सिर्फ ये मेल को ही क्यों होती है, ठीक है, और जनरली बताते होता है कि जो फीमेल होती है वो अगर अफेक्टेड भी हुई ना तो जनरली वो बचते नहीं हैं, इसलिए बहुत रेयर चांस होता है कि कोई फीमेल मतलब किसी की मदर बीमार हो और वो बच्चा पैदा कर सकती है। क्योंकि वो जैसे अगर मान लो लड़की पैदा भी हुई है अगर अफेक्टेड, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर मदर ये है कैरियर और मदर अगर बीमार है तो लिखेंगे एक्स एच एक्स एच, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो ये जो मदर है उसके एक्स पे एच है और दूसरा एक्स नॉर्मल है, उसे हमने किससे करवाया है, हमने क्रॉस करवाया है फादर के साथ, फादर मान लो नॉर्मल है एक्स वाई। ओके, तो जब मैं क्रॉस करवाऊँगा, मान लो ये लिख दिया मैंने एक्स एच एक्स एक्स वाई, जब ये इससे मिलेगा तो क्या होगा एक्स एच एक्स, और ये जब इससे मिलेगा तो क्या होगा एक्स एच वाई, जब ये इससे मिलेगा तो नॉर्मल एक्स एक्स बनेगा, और जब ये वाला इससे मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स और वाई। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये वाला कंडीशन और ये दोनों ही कंडीशन कैसे हैं, नॉर्मल है, मतलब डिजीज़ फ्री है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये फीमेल एक्स एच है एक्स है, इसका मतलब ये फीमेल कैसी है, कैरियर, मतलब ये बीमारी उनमें ट्रांसफ़र तो हुई है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर हो सकती है। पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें एक्स के ऊपर एच है और नॉर्मल वाई है, तो इस केस में जो ये लड़का पैदा होगा, जो सन पैदा होगा, वो कैसा होगा, अफेक्टेड, मतलब हीमोफीलिक। तो ये समझ में आएगा कि हीमोफीलिया कब होता है। अब बात ये देखते हैं कि हीमोफीली जो जो भी लोग होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप ये कह सकते हो जैसे कि टोटल ना, अगर हम बात करें, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं पूरी की पूरी मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा कि कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है, बस ये ध्यान रखिए आप कि ए सिंगल प्रोटीन इज अफेक्टेड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली ना देखो, अगर कोई चीज़ स्टार्ट होती है, मान लो ये पहला स्टेप है, इसके बाद ये पहला स्टेप दूसरे स्टेप को इनिशिएट करेगा, अगर दूसरा स्टेप स्टार्ट हो चुका है तो मान लो कंप्लीट होगा, तो ये सेकंड स्टेप थर्ड को आगे बढ़ाएगा। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ लगातार एक सिक्वेंस वाइज चीज़ें होती रहती है ना, उसे हम बोलते हैं कैस्केड है। तो ये बोल सकते हो कि इसमें इस सिंगल प्रोटीन कोई अफेक्ट हो जाता है जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पर अगर वो अफेक्टेड हुआ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा 11th का बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज,
थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन जिसको एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये जब आएगा तो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है एक्टिवेट होकर कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, थ्रोम्बिन। उसके बाद यही थ्रोम्बिन आगे जाके हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो थ्रोम्बिन आएगा तो ये फिब्रिनोजन एक्टिवेट होकर फिब्रिन्स में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन्स। तो एंड फाइनली ये फिब्रिन्स क्या होता है, अगर कहीं भी आपको कट लगा ना तो ऐसा कुछ धागे की तरह बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे पूरा जाल बिछ जाता है। एंड फाइनली उस जगह क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, अलग चीज़ है। मुद्दा ये है कि ये देखो, अगर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम नहीं होता तो क्या प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होता, और जो अगर थ्रोम्बिन नहीं होता तो क्या फिब्रिनोजन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता? तो ये बोल सकते एक स्टेप बाय प्रोसेस है, जिसमें अगर कोई भी एक फैक्टर अफेक्टेड हो, अगर मान लो थ्रोम्बिन गायब हो गया तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम अगर गायब हो गया तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कन्वर्ट नहीं होगा, और जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रख सकते हो कि कोई फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में गायब हो जाता है, प्रोटीन गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती। तो अगर हल्का सा भी सिंपल कट भी लगा ना, इस केस में अगर किसी मेल को जो हीमोफिलिक है मेल, अगर सिंपल कट भी लगा तो लगातार ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड लॉस होता रहेगा, एंड फाइनली वो मर सकता है, ठीक है। तो ये लिखा है द हेटरोजाइगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट। अब ये मतलब कि फीमेल कैसी होनी चाहिए, हेटरोजाइगस, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया हमने, फीमेल कैसी है हेटरोजाइगस और मेल कैसा है होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब नॉर्मल एक्स वाई, और हेटरोजाइगस का मतलब मान लो अगर बोलूँ फीमेल होमोजाइगस का मतलब नॉर्मल एक्स एक्स है, ठीक है, और अगर हम बोले कि फीमेल हेटरोजाइगस का मतलब एक्स एच एक्स है, ठीक है ना। तो बस ये कौन अफेक्टेड होता है, उसका लड़का, बॉय, सन, ठीक है ना।